दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री में शुक्रवार 18 फरवरी को दोपहर जहरीली गैस रिसने से ठेका कर्मियों की मौत से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। जहरीली गैस रिसने की भनक ठेका श्रमिकों को जैसे लगी, ठेका श्रमिकों में अफरा तफरी मच गई। बेहोशी की गंभीर हालत में ठेका श्रमिकों को दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्गापुर इस्पात अस्पताल में एक की और बाद में दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में दो की मौत हुई। मृतकों की पहचान सजल चौहान, सिंटू यादव और संतोष चौहान के रूप में हुई है। सात को दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से ठेका श्रमिकों में दहशत है और ठेका कर्मचारी स्टील फैक्ट्री के अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। मजदूर संगठन सवाल उठा रहे हैं कि दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री के अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं। दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि जहरीली गैस का रिसाव कहां से और कैसे हुआ, इसकी जांच करने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खबर पांडेश्वर की रिपोर्ट। उसका नाम है सिंटू यादव और उसका उम्र नियर अबाउट है 28 से 30 के आसपास में। और सिर्फ हमारे साथ ऐसा दुर्घटना नहीं हुआ, हमारा जो एनवी एंटरप्राइजेस है उनके साथ भी ऐसा, लेकिन उसका आदमी अभी सेफ है, मतलब मोटा मोटी उसका सेफ है। मोटा उसका घर आपका है कादा रोड के आसपास में। ठीक है समीक्षक, सब ठीक है, सब ठीक है। आकर्षक ऑफर्स और डिस्काउंट पाने के लिए आज ही चले आइए शाही ऑटोमोबाइल्स एक्सटेंशन काउंटर पे, पांडवेश्वर होंडा शोरूम एरिया मोड़। आकर्षक ऑफर्स और डिस्काउंट पाने के लिए आज ही चले आइए शाही ऑटोमोबाइल्स एक्सटेंशन काउंटर पे, पांडवेश्वर होंडा शोरूम एरिया मोड़।